यर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय पांच यर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय पांच। यरूशलेम की सड़क में इधर उधर दौड़कर देखो और उसके चौकों में ढूंढो, यदि ऐसा कोई मिल सकता है जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। यदि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ खाए तो भी निश्चय वे झूठी शपथ खाते हैं। हे यहोवा, क्या तू सच्चाई पर दृष्टि नहीं करता? तूने उनको दुख दिया परंतु वे शोकित नहीं हुए, तूने उनको नाश किया परंतु उन्होंने ताड़ना से नहीं माना, उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है और उन्होंने लौट आने से इनकार किया है। फिर मैंने सोचा कि ये लोग तो कंगाल और अबोध है, वे परमेश्वर का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते, इसलिए मैं बड़े लोगों के पास आकर उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वे तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम जानते होंगे, परंतु उन्हीं ने मिलकर जुए को तोड़ दिया और बंधनों को खोल डाला है, इस कारण सिंह वन में से आकर उन्हें मार डालेगा और निर्जल देश का भेड़िया उनको नाश करेगा और चीता उनके नगरों के पास घात लगाएगा और जो कोई उनमें से निकले वह फाड़ा जाएगा, क्योंकि उनके अपराध बहुत बढ़ गए और वे मुझसे बहुत ही दूर हट गए हैं। मैं क्यों कर तेरा पाप क्षमा करूं? तेरे लड़कों ने मुझको छोड़कर उनकी शपथ खाई है जो परमेश्वर नहीं है, और मैंने उनका पेट भर दिया तब उन्होंने व्यभिचार किया और वेश्याओं के घरों में भीड़ की भीड़ जाते थे, वे खिलाए हुए और घूमते फिरते घोड़ों के समान हो गए, वे अपने अपने पड़ोसी की स्त्री पर हिनहिनाने लगे। यहोवा की यह वाणी है कि क्या मैं ऐसे कामों का दंड न दूं? क्या मैं ऐसी जाति से अपना पलटा न लूं? शहर पनाह पर चढ़ाई करके उनका नाश तो करो, तो भी उसका अंत मत कर डालो, उसकी जड़ तो रहने दो परंतु उसकी डालियों को तोड़कर फेंक दो, क्योंकि वे यहोवा की नहीं है। यहोवा की यह वाणी है कि इस्राएल और यहूदा के घरानों ने मुझसे बड़ा ही विश्वासघात किया है, उन्होंने यहोवा की बातें झुठलाकर कहा कि वह नहीं है। विपत्ति हम पर न पड़ेगी और हम तो न तो तलवार और न महंगी को देखेंगे, और भविष्यवक्ता हवा हो जाएंगे और उनमें परमेश्वर का वचन नहीं है, उनके साथ ऐसा ही किया जाएगा। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख, मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा और वह उनको भस्म करेगा। यहोवा की यह वाणी है कि इस्राएल के घराने, देख, मैं तुम्हारे विरुद्ध दूर से ऐसी जाति को चढ़ा लाऊंगा जो सामर्थी और प्राचीन जाति है, और उसकी भाषा तुम न समझोगे और न तो यह जानोगे कि वे लोग क्या कह रहे हैं, उनका तर्कश खुली कब्र है और वे सब शूरवीर हैं, वे तुम्हारे पक्के खेत और भोजन वस्तुएं खा जाएंगे जो तुम्हारे बेटे बेटियों के खाने के लिए है, वे तुम्हारी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को खा डालेंगे, वे तुम्हारी दाखों और अंजीरों को खा जाएंगे, और जिन गढ़वाले नगरों पर तुम भरोसा रखते हो उन्हें वे तलवार के बल से गिरा देंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में भी मैं तुम्हारा अंत न कर डालूंगा। सो जब तुम पूछोगे कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमसे ये सब काम किस लिए किए हैं, तब तू उनसे कहना
कि जिस प्रकार से तुमने मुझको त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा अपने देश में की है, उसी प्रकार से तुमको पराए देश में परदेशियों की सेवा करनी पड़ेगी। याकूब के घराने में यह प्रचार करो और यहूदा में यह सुनाओ, हे मूर्ख और निर्बुद्ध लोगो, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते और कान रहते हुए नहीं सुनते, यह सुनो, यहोवा की यह वाणी है कि क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? मैंने तो बालू को समुद्र का सिवाना ठहराकर युग युग का ऐसा विधान किया कि वह उसको न लांग सके, और जब जब उनकी लहरें उठे तब तब वे प्रबल न हो सके, और जब जब गरजे तब तब वे उसको न बांधे। फिर क्या तुम मेरे सामने नहीं थरथराते? इस पर प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है, इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए हैं। फिर वे मन में इतना ही नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, सो हम उसका भय माने। परंतु वे तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण रुक गए और तुम्हारे पापों के हेतु तुम्हारी भलाई नहीं होती। मेरी प्रजा में दुष्ट लोग भी पाए जाते हैं, जैसे चिड़ीमार ताक में रहते हैं वैसे ही वे भी घात लगाए रहते हैं। वे फंदा लगाकर मनुष्यों को अपने वश में कर लेते हैं, जैसा पिंजड़ा चिड़ियों से भरा हो वैसे ही उनके घर छल से भरे रहते हैं। इसी प्रकार ये बढ़ गए और धनी हो गए हैं, वे मोटे हो गए हैं, वे मोटे चिकने हो गए हैं, वे बुरे कामों में सीमा को लांग गए हैं, वे न्याय और विशेष करके अनाथों का न्याय नहीं चुकाते, इनसे उनका काम सफल नहीं होगा, फिर वे कंगालों का हक नहीं दिलाते। इसलिए यहोवा की यह वाणी है कि क्या मैं इन बातों का दंड न दूं? क्या मैं ऐसी जाति से पलटा न लूं? देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भविष्यवक्ता तो झूठ-मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं, और मेरी प्रजा को यह भाता भी है। अब तुम इसके अंत में क्या करोगे?